हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर धोती स्टाइल कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सिंथेटिक फैब्रिक लिया हुआ है जो है 3 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इसे फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7.5 इंचेस। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 7.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूंगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें हमें 2 इंचेस ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूंगी यहाँ पे 16 इंचेस, तो 16 पे हमें एक मार्क करना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूंगी यहाँ पे 9.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, तो आर्म होल हमने लिया था 7.5 इंचेस। यहाँ पे सेंटर पे मार्क करके हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ मैं लूंगी यहाँ पे 1.5 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे, तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसे मैंने सेपरेट कर लिया है, और जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम वापस अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे। और 2 फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से इसे 2 हिस्सों में कट कर लेना है, तो यहाँ से हम इसे कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अभी जो हमारा फैब्रिक है उसमें से हमें बेस फैब्रिक को कट करना है, तो जो हमने टॉप का पार्ट अभी कट किया उसे हम यहाँ पे रखेंगे और इसी शेप और साइज में हमें बेस का फैब्रिक कट करना है। तो जैसे हमने रखा है वैसे ही हम एक और पीस कट कर लेंगे, तो होगा हमारा बेस का फैब्रिक। उसी तरह से जो हमारा फ्रंट का पार्ट हमने कट किया था उसे भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ मैंने ली है 40 इंचेस। अब यहाँ पे जो हमारा एंड है यहाँ पे हमें शेप ड्रॉ करना है, तो हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो जो हमारा बॉटम का पार्ट है नीचे की तरफ उसमें हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो शेप को हमने ड्रॉ कर लिया है, इसे हमें कट करना है। तो शेप को हमने इस तरह से कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड हमें लेना है 9.5 इंचेस जितना। तो 9.5 पे हमें इस तरह से मार्क करना है। जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे हमें 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है, और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। शेप को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। लेंथ मैंने ली है इसकी 14 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है, इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 स्लीव्स हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले
जो बेस का फैब्रिक है मैंने उसे रॉन्ग साइड पे रखा है, उसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, और दोनों को हमने इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पे हमें बनानी है बटन पट्टी, जिसके लिए मैंने इस तरह की दो स्ट्रिप कट कर ली है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे, और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से इस तरफ भी आपको स्ट्रिप को उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई करनी है। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, इस स्ट्रिप को आपको बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। तो ये जो पूरी स्ट्रिप है उसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करेंगे, और ये इस तरफ की जो स्ट्रिप है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ हो। तो हाफ इंच जितना हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह से बॉर्डर तैयार करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर ओवरलेप करेंगे और यहाँ से आपको सिलाई करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ तक आपको इसे ज्वाइन करना है, और इतना सा पार्ट हम ओपन रखेंगे और यहाँ से हम लॉक कर लेंगे ताकि इतना पार्ट हमारा ओपन रहे, बाकी का हिस्सा हमें लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डिस्टेंस पे इस तरह से लॉक कर लिया है। अभी जो हमारा बैक का पार्ट है उसे भी मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड के ऊपर, दूसरा पार्ट राइट साइड पे रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो हमारा फ्रंट का पार्ट हमने अभी तैयार किया उसे हम उल्टा रखेंगे, और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रख लेना है, और दोनों तरफ से हम सिलाई करके स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्लीव्स को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स के बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है, बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कॉलर लगाना है, तो जिसके लिए हमें मार्किंग करनी होगी। तो यहाँ से हमें मार्किंग को स्टार्ट करना है और हमें इसे पूरी लेंथ में इस तरह से मार्क करना है। तो यहाँ से इसकी लेंथ हम मेजर करेंगे। तो यहाँ से हम लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। पूरी लेंथ को हम इस तरह से मेजर कर लेंगे। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हमें लेंथ को मेजर करना है। तो इसकी लेंथ है 17 इंचेस, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 18 इंचेस का हमें एक स्ट्रिप कट करना है। तो इस तरह से हमने 18 इंचेस का एक स्ट्रिप कट कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे, और उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ से हम हल्की सी सिलाई को ओपन कर लेंगे और एक तरफ से हमें कॉलर को लगाना स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से कॉलर को रखेंगे और एक तरफ से हमें सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेना है। पूरी लेंथ में हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक तरफ से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें इस तरह से बैक साइड पे टर्न करना है, और बैक साइड पे आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो जो हमारी दूसरी साइड है उसे हम बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे कॉलर फिक्स हो जाएगा। पूरी लेंथ में आपको इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है।
तो यहाँ पे हमने कॉलर को फिक्स कर लिया है। मैंने इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा कॉलर बिल्कुल तैयार है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है फिटिंग के लिए। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं लूँगी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। और यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 5.5 इंचेस। उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी हम 5.5 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड करना है। तो पूरी लेंथ में हम इसकी बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली आपको बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। इसी तरह से इसकी भी बॉर्डर हम फोल्ड करेंगे। दोनों की बॉर्डर हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमने सेंटर पे इस तरह से मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हमें प्लिट्स डालनी है। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे हम इस तरह से प्लिट्स लेंगे। और यहाँ पे हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसी तरह से हम अपोजिट में एक प्लिट्स लेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ पे हमें दो प्लेट्स लेनी है, वो हम ऑपोजिट साइड में लेंगे। अब इसी तरह से हमें इस साइड में जो उसी डायरेक्शन में हमें प्लेट्स लेनी है, अप्रॉक्स 1.5 इंच के डिफरेंस पे हम एक और प्लेट्स लेंगे और इसे भी हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। और इस तरफ भी आपको इस तरह से प्लेट्स लेनी है। तो उसी डायरेक्शन में हम दोनों तरफ से प्लेट्स डालेंगे और इसे पिन से सिक्योर करते जाएंगे। तो पूरी लेंथ में हम इसी मेथड को फॉलो करके यहाँ पे प्लिट्स लेंगे। इसी तरह से आपको दोनों पार्ट्स में प्लिट्स लेनी है। तो यहाँ पे हमने प्लिट्स ले ली है। तो दोनों पार्ट्स में हमने इस तरह से प्लिट्स ले ली है और सिलाई करके मैंने इसे सिक्योर कर लिया है। अब हम पिन्स को निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने पिंस को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से हल्का सा ओवरलेप करेंगे। यहाँ पे आपको अप्रोक्स 1/2 इंच जितना ओवरलेप करना है और यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे सिक्योर कर लेना है। ये होगा हमारा फ्रंट साइड। और जो बैक साइड है उसमें हमें इस तरह से फैब्रिक को अप्रॉक्स 2 इंचेस जितना फोल्ड करना है, 3 to 4 इंचेस, और यहाँ पे आपको सिलाई करके सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिलाई करके इसे सिक्योर कर लिया है। मैंने बैक साइड में भी सिलाई लगा दी है। अभी हमारा टॉप का पार्ट है और जो हमारा बॉटम का पार्ट है उन दोनों की चौड़ाई हमें सेम रखनी है। अब ये हमारा बॉटम का पार्ट है जिसके ऊपर आपको फ्रंट का पार्ट उल्टा रखना है और जो हमारी दोनों का मिडल है उसे हमें मैच करना है और दोनों को मिलाते जाना है और हमें सिलाई कर लेना है। तो पूरे राउंड में हम इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है।
अब यहाँ पे हमने जहाँ पे लॉक किया था वहाँ पे हम बटन लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। तो पैटर्न के लिए हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने बटन लगा के इसे डेकोरेट कर लिया है और इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर धोती कुर्ती। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।